आज हमारे पास गाड़ी आई है बोलेरो पिकअप CVC, और गाड़ी में प्रॉब्लम थी, इसका ECM शॉर्ट हो चुका था, ECM इस गाड़ी का शॉर्ट हो चुका था, तो आज इसका ECM रिप्लेस करेंगे। 8755 फोर सिलेंडर, और इसमें दूसरा ECM लगा दिया है, और आप इसमें देख सकते हो इसमें इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है, चेक लाइट हमारी आ रही है, ठीक है। और गाड़ी हमारी सेल्फ नहीं ले रही है, अभी देखो सेल्फ गाड़ी हमारी नहीं ले रही है, तो पहले इसमें DTC देखेंगे कि गाड़ी में DTC क्या आ रहा है। तो चलते हैं स्कैनर पे अपने, महिंद्रा इंडियन डायग्नोस्टिक, तो चलेंगे व्हीकल सिलेक्शन में, कॉमर्शियल व्हीकल में, और हमारी गाड़ी है बोलेरो पिकअप, तो बोलेरो पिकअप में जाएंगे। सिस्टम सिलेक्शन, तो गाड़ी की की प्रोग्रामिंग मैंने पहले कर दी है, तो आप देखोगे इसमें कि कोई ट्रिबल कोड इमोबिलाइजर में नहीं है, नो ट्रबल कोड इमोबिलाइजर में हमारे कोड नहीं है, ठीक है। तो चलेंगे इसके इंजन में, रीड फॉल्ट कोड, तो इसमें आप फ्रेंड देख सकते हो इसमें कोड आ रहा है कि मैसेज लॉस एरर फॉर स्टीयरिंग एंगल सेंसर, क्योंकि पिकअप में ये कोड नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा कोड इसमें आ रहा है U1104 की मैसेज लॉस एरर फॉर MBFM, ठीक है, इसमें MBFM भी नहीं होता है, और U1105 की मैसेज लॉस एरर फॉर IC, ठीक है। तो इसमें ये जो कोड आ रहे हैं ये कोड इस गाड़ी में पिकअप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो गाड़ी के आज करने वाले हैं फ्लैशिंग, तो आपको दिखाएंगे फ्लैशिंग गाड़ी में पिकअप में कैसे करते हैं। तो इसको करते हैं क्लियर, तो डिवाइस को निकालते हैं बाहर, लगाते हैं इसमें DP5। ये हमारी डिवाइस बाहर आ चुकी है और इसमें DP5 लगा दिया, तो चलेंगे अब अपने DP में, ECU फ्लैशर में, महिंद्रा। तो इसमें जो इंजन की लाइट है वो बहुत ही फास्ट ब्लिंक कर रही है, इसमें इतनी फास्ट ब्लिंक नहीं करती है, तो चलेंगे इसके लेटेस्ट वर्जन में। एंटर, तो हमारा ECM है 8755, स्विच इग्निशन ऑन, ब्राइट फ्लैश, कनेक्टेड टू सर्वर, 8755, ये रहा हमारा बिन नंबर। एंटर, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें बोलेरो पिकअप आ चुकी है 1.5, तो करते हैं ओके, कम्युनिकेटिंग, तो ये गाड़ी को कनेक्ट कर रहा है, हमारा इग्निशन ऑन है, तो टर्म लगा जा कर लोगों का कोई दिक्कत नहीं, रेसिंग फ्लैश, ब्राइट फ्लैश, हमारा फ्लैश स्टार्ट, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें से आप देख सकते हो फ्रेंड्स में चेक लाइट और इंजन लाइट दोनों जा चुकी हैं, और ये हमारे DP5 में ब्राइट फ्लैश चालू हो चुका है, तो फ्लैश हमारा चल रहा है, और गाड़ी में चेक लाइट और इंजन लाइट दोनों जा चुकी हैं।
जो कार वाली लाइट है हमारी, उसने फ्लैश करना स्लो कर दिया है। अभी फास्ट कर रही थी, ये फास्ट हो गई है। फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। हमारी चेक इंजन लाइट और इंजन लाइट दोनों नहीं आ रही है इसमें, और इग्निशन हमारा ऑन है, और फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये स्लॉट हमारी पूरी भर चुकी है। बटन सक्सेस। और अभी हमने इंटर का बटन नहीं दबाया है, तो आप इसमें फ्रंट देख सकते हो, उसमें इंजन लाइट आ चुकी है और चेक लाइट हमारी नहीं आ रही है, इसमें इंजन लाइट आ चुकी है। तो इसको करते हैं ओके। तो प्लीज़ स्विच ऑफ इग्निशन 40 सेकंड बिफोर। तो इसको करते हैं एंटर। ये हमारा फ्लैश कंप्लीट हो चुका है। तो इग्निशन ऑफ करेंगे गाड़ी का। ये इग्निशन ऑफ कर दिया है गाड़ी का, और ये मीटर हमारी लाइटें जा चुकी हैं। तो कुछ सेकंड का गाड़ी में वेट करते हैं। तो 40 सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चाबी ऑन करेंगे गाड़ी की। ये चाबी ऑन कर दी है, और इसमें चेक इंजन लाइट भी आ गई है, और इंजन की लाइट इसकी खड़ी है। तो सेल्फ ला के देखते हैं गाड़ी को, गाड़ी सेल्फ ले रही या नहीं ले रही। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो वापस से गाड़ी करके स्टार्ट करके देखेंगे। तो ये गाड़ी बंद हो चुकी है, और चाबी ऑन। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये गाड़ी हमारी एक्सीलेटर ले रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।